चीजों पे बहुत झटके आ गए। जो मीट है वो तो मुसलमान नहीं बेच रहे, तो पहले उनका लाइसेंस भी तो चेक कीजिए, उन पे भी तो किसी पे सील लगाइए, एक नज़र से देखिए, दो एक चश्मा एक लगाएं, देख रहे हैं अलग अलग, तो बेहतर ये है कि आप ऐसा लेके चलिए कि जिससे कोई आपस में कौम में रंजिश नहीं पैदा हो, और वो मिलजुल के पहले भी रह रहे थे रहें। तो जो कानून उन्होंने बनाया ये एक ब्लाइंडली उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, एक्चुअली ये भारत के जो है कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब उस पर तो पाबंदी लग रही है, जो गोश्त खाने में आ रहा है उसको खाया जा रहा है, उसको जिस्म की गिजा बनी हुई है, और जो चीज़ें नशीली चल रही हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से चल रही है, उससे कितने नुकसान आते हैं कितने क्या है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। उस पर पाबंदी लगे, गोश्त पर भी पाबंदी लगा दो, कोई नहीं है खाने वाला, बंद कर दो बिल्कुल, हमें इस बात से कुछ वो नहीं है, इतराज़ नहीं है, दाल सब्जी वब्जी खा लेंगे कोई बात नहीं है। अब मतलब जैसे गोश्त पर पाबंदी लग रही है, अब नशीली चीज़ों पर भी पाबंदी लगाओ ना, ये शराब जो बिक रही है इससे कितने नुकसान हो रहा है, कितने लोग मर जाते हैं कि गाँव में शराब बनी है वहाँ मर गए, फलानी जगह मर गए, डिमका मर गए, आए दिन झगड़े हो रहा है, लोग बाग नशे में चल रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं, लोग ये जो गंदी चीज़ है इन पर भी बैंड लगाओ, जो खाने की चीज़ है उस पर पीछे पड़े हैं। बात कानून की है, बात लीगल इनलीगल की है, आइए दिखाते हैं हम दिल्ली के अंदर लोगों की क्या राय है। जी जिन जिन दुकानों पर लाइसेंस इशू होता है उनको इशू करना चाहिए, अगर नहीं है तो उन चीज़ों को बंद करना चाहिए, उनको कुछ टाइम देना चाहिए कि आप एक महीने के अंदर अपना लाइसेंस वगैरह तैयार कराएं। फिलहाल क्या मानते हैं, जैसे खाने की कोई भी चीज़ है, जैसे परचून की दुकान है उस पर भी लाइसेंस होता है, अगर कोई पानी बेच रहा है तो उसके पास भी खाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, अगर उनके पास में नहीं होता तो क्या उन्हें भी टारगेट करना चाहिए उत्तर प्रदेश में? हाँ, उन दुकानों को भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, क्या वो परचून की दुकान हो या बीफ के बारे में आप जैसे पूछ रहे हैं या कोई होटल हो, सबको लाइसेंस की ज़रूरत है। देखिए जी, सही भी है एक तरीके से, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो पहले से कह रहे थे कि आपको लाइसेंस बनवाना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ RWA ने जैसे लाइसेंस वगैरह का बोला है कि आपकी गोश्त की दुकान है, सबसे पहले आपके अंदर फुल्ली एयर कंडीशन होनी चाहिए, वो दुकान शीशे लगे होने चाहिए, फ्रीजर होने चाहिए, जो पैरामीटर्स बनाए उनके अंदर आने चाहिए आप जी, सब कुछ होना चाहिए, लाइसेंस ज़रूरी है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया गया। तो आप दिल्ली के अंदर क्या मानते हैं कि दिल्ली में अगर ऐसा होता है तो लोग अवेयर हैं इस बारे में? हाँ, लोग अवेयर हो गए हैं अब लाइसेंस के लिए, अब लोग बाग अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर रहे हैं, और अपनी दुकानों को शॉपों को उसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं जैसे कि सरकार कह रही है। मेरा अथर इकबाल नाम है जनाब अली, मेरे हिसाब से जनाब अली मोदी सरकार की जो है वो बहुत गलत है, और उन सबको लाइसेंस ले लेने चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई उनके पास आता है ज़बरदस्ती बंद कराने के लिए तो उनको अपना वो लाइसेंस दिखा सकते हैं जी। और जो कारोबार होते हैं, अगर आप कोई भी खाने पीने का काम करें तो उसके ऊपर लाइसेंस होना ज़रूरी है? ऑब्वियसली ये तो मस्ट है जनाब अली, जैसे इंसान के लिए रोटी ज़रूरी है, तो ये अगर ये कर लिया जाए लाइसेंस हर आदमी ले के, और अपनी दुकान पर या अपने ठिए पे जैसा भी है उसको लटका देना चाहिए, यानी कि सामने वालों को कहने का मौका ना मिले। तो आप कार्रवाई को सही मानते हैं? मेरे हिसाब से तो सही है जनाब अली, होना चाहिए लाइसेंस, मस्ट है और कर लेना चाहिए हर किसी को, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर किसी के लिए कंपलसरी होना चाहिए और कर लेना ही चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? यही नहीं, देखिए साहब, खाने पीने की सारी चीज़ों का, फिर जो अपने होम अपेलेंस है सब है, उसके लिए तो सबको एक ही नज़र से देखा जाए तो मच बेटर। मानते हैं जो खाली गोश्त की दुकानों पे कार्रवाई हो रही है तो ज्यादती है, फिर ये अगर एक ही इसी के ऊपर, ये बीफ के ऊपर, चिकन के ऊपर, मटन के ऊपर लगा हुआ है कि सिर्फ यही है, ये तो हिंदू गर्दी का वाला मामला हो जाएगा कि मुसलमान को दबाना, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी फाइनल राय ये है कि लाइसेंस लेना जरूर मस्ट है जनाब अली, लाइसेंस ले लेना चाहिए तो मच बेटर है, बहुत बेहतर है, हर हाल में बेहतर है, किसी को कहने का कुछ मौका नहीं मिलेगा, आए वो आए और पूछे कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो फौरन मैं तो ये कह रहा हूँ कि दीवार पे लटका देना चाहिए, अगर उसके पास अपना ठिया है तो उसके ऊपर ठिए पे लटका देना चाहिए, ताकि सामने वाला आन के देखे तो वो खुद शर्मिंदा हो जाए जी। बस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। भाई लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस लाइसेंस नहीं है। Hello? आपको पता होना चाहिए गन्ने के जूस की दुकान पे लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। भाई मालिक साहब कहाँ है? मालिक साहब कहाँ है, बुलाइए आप।
या लेने वाले हैं लाइसेंस? कहाँ हैं बुलाइए, थोड़ा पीछे रहिए। अच्छा, आपने यहाँ जूस पिया अभी? जी। तो आपको पता है कि गन्ने के जूस की दुकान पे लाइसेंस होना जरूरी होता है? ये तो खैर पता है, लेकिन अब गर्मी का टाइम है, बस पीने की इच्छा थी, पी लिया, अब लाइसेंस। पीने की इच्छा थी मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो एक ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ यहाँ सब जानवर। जी जी, सही है आपकी बात। तो पर गन्ने के जूस में मैं समझता हूँ यहाँ तक इन चीज़ों की कोई खास जरूरत नहीं है, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं खाने की वो बात एक अलग होती है, पानी अगर पी रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उस पर लाइसेंस होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी से बेचे उसे। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है और अच्छी है बात। पानी के ऊपर भी होता है, आप बिस्लरी की बॉटल? बिल्कुल, पानी के ऊपर बिल्कुल होता है, लेकिन आप ये मानते हैं कि इसके लिए लाइसेंस? का जूस सामने निकाला जा रहा है, हमारे सामने ताजा निकाल के हमको पिलाया जा रहा है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है? इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, बस। ठीक है, थैंक यू। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सब मुसलमानों को चाहिए गोश्त खाना बंद कर दें, अगर हुकूमत चाहती नहीं है तो गोश्त खाना बिल्कुल बंद कर दें, और जो दुकानें खुली हुई हैं वो भी बंद कर दें। मुसलमान से ज़्यादा हिंदू नहीं खा रहा क्या? बड़े बड़े होटलों में सारा गोश्त ही गोश्त चल रहा है, और क्या हो रहा है बताओ, कौन नहीं खा रहा गोश्त? बगैर लाइसेंस के जो पाबंदी लगाई है सही लगाई है, लाइसेंस होगा तो काम तरीके से होगा, ढंग से होगा, लाइसेंस होगा तो आदमी बेखौफ बेलोस काम कर सकता है। वरना लाइसेंस की तो हर चीज़ ही मतलब गलत है, हर चीज़ का लाइसेंस होता है, अगर गवर्नमेंट इस बात का इशू करती है तो उसको चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर जो है लाइसेंस होना चाहिए, सिर्फ मीट के ऊपर ही नहीं, हर चीज़ के ऊपर होना चाहिए, कोई भी है, पानी है, पान है, कोई भी है, यूँ तो हर नशीली पदार्थों पर जो है बैंड होता है, वो चीज़ें बिक रही हैं और गोश्त के ऊपर बैंड हो रहा है, तो उसके लिए भी तो पाबंदी होनी चाहिए, उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस है मगर बिना लाइसेंस के, अब ये देखो बिहार में बंद हो चुका है और हमारी जो है यहाँ सेंटर में किस तरीके के हादसे हो रहे हैं उसको मतलब जो है नशीली चीज़ों को लेकर के, और गोश्त की जब जो है पाबंदी है, हमें उस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि जी लाइसेंस की दुकानें आपने बंद करी है, बिना लाइसेंस की बंद करो ठीक है, मगर जो लाइसेंस नहीं है और चीज़ों के उनके ऊपर भी तो लाइसेंस होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब उस पर तो पाबंदी लग रही है, जो गोश्त खाने में आ रहा है उसको खाया जा रहा है, उसको जिस्म की गिज़ा बनी हुई है, और जो चीज़ें नशीली चल रही हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से चल रही है, उससे कितने नुकसान आते हैं, कितने क्या है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर पाबंदी लगे, गोश्त पे भी पाबंदी लगा दो, कोई नहीं है खाने वाला, बंद कर दो बिल्कुल, हमें इस बात से कुछ वो नहीं है, इतराज़ नहीं है, दाल सब्जी वब्जी खा लेंगे कोई बात नहीं है। अब मतलब जैसे गोश्त पर पाबंदी लग रही है, अब नशीली चीज़ों पर भी पाबंदी लगाओ ना, ये शराब जो बिक रही है इससे कितने नुकसान हो रहा है, कितने लोग मर जाते हैं कि गाँव में शराब बनी है, वहाँ मर गए, फलानी जगह मर गए, डिमका मर गए, आए दिन झगड़े हो रहा है, लोग बाग नशे में चल रहे हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, जो ये जो गंदी चीज़ है इन पे भी बैंड लगाओ, जो खाने की चीज़ है उस पे पीछे पड़े हैं। मेरा मानना यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो पाबंदी गोश्त पे लगाई है, कानून तो यह है कि जो कानून एक जगह होता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है, जब अगर यूपी में गोश्त पे पाबंदी है तो क्यों नहीं पूरे मुल्क में पाबंदी लगाई जाए, तो या तो वहाँ भी ये ख़त्म किया जाए या फिर दूसरे सूबों में भी लागू की जाए, इससे लोगों को बहुत नुकसान है और व्यापारी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ ध्यान दें, या तो इसको पूरे ही मुल्क में बंद कर दें या पूरे कानून को लागू करके जो भी इसके लिए हल हो सकता है वो निकालें। देखिए ये सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने वाली बात है जी। ये कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं है इनके पास। मैं इनसे जो पिछली गवर्नमेंट रह चुकी है अखिलेश गवर्नमेंट, मैं उससे सवाल ये करता हूँ उसने लाइसेंस इनके रिन्यू क्यों नहीं किए, और कुछ ही समुदाय के लोगों के लाइसेंस क्यों रिन्यू किए, क्योंकि वो मोदी के आदमी थे, उनके तो आपने इसी काम के सारे लाइसेंस रिन्यू कर दिए, मगर एक समुदाय के मुसलमानों के ख़ास तौर से इन लोगों ने लाइसेंस रिन्यू पिछले 5 सालों में नहीं किए, ये अखिलेश सरकार ने किया। अब इस पे आगे ये जो नई सरकार बैठी है इसने, इनको कोई और काम नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ
पहले गोश्त के कारोबारियों को ही परेशान किया लाइसेंस की वजह से। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जो सारी हिंदुस्तान में सब्ज़ी बिक रही है, इन लोगों के पास लाइसेंस है, कितनों के पास है और कितनों के पास नहीं है, क्या वो बंद नहीं होने चाहिए? या और भी बहुत सारे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, बनिए हैं, और भी दुनिया भर के हैं जिनके पास लाइसेंस का, जिनको ज़रूरी है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको उनको क्यों परेशान नहीं कर रहा है आप? बहुत सारे हर काम को करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हर काम को करने के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। मैं यहाँ शॉप पे बैठा हूँ, मेरे पास भी लाइसेंस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहा है? आज ये यूपी में कर रहा है, आज सुना है हरियाणा में भी ये मामला हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है, अब हम दिल्ली के अंदर भी किस तरीके से यहाँ पे अपना खान पान कैसे करेंगे? ये परेशानी वाली बात है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? ये बहुत गलत कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, ये जो है सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। इलेक्शन से 4-5 दिन पहले अमित शाह जो के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे जैसे भी जीत होगी, उसे जीत होने के रात के 12 बजे गुजड़खाने बिल्कुल बंद कर दिए। वो सिर्फ इसलिए बंद किए गए हैं कि मुसलमानों से जितना भी कारोबार वो छीन लिया जाए। इसलिए क्योंकि जितने भी लाइसेंस और जितने भी एक्सपोर्टर के सबसे बड़े व्यापारी हैं, सब हमारे हिंदू भाई हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये लोग हमारे, ये बिजनेस हमारे हाथ में आ जाओ, ये हमारे गुलामी कर, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप एक इस तरीके क्या सबूत हैं आपके पास में, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो काम तो बंद ही होना है, इसमें आप यह इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? घोष का कारोबार सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही, मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं करता जा रहा था, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उनको डराया जा रहा है ताकि ये हमारे गुलाम हो जाएं। मैं अपनी यही राय रखना चाहता हूँ कि जो यूपी में लाइसेंस के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी की जो क्या कहते हैं, एक सोची समझी साजिश है कि मुसलमान को कमज़ोर किया जाए। किस तरह कमज़ोर किया जाए, पहले उसे, मुसलमान तो बीजेपी के अंदर भी हैं, आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं एक देश की बड़ी नामी पार्टी के ऊपर कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, जबकि दूसरी तरफ नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप ये इल्ज़ाम किस आधार पर लगा रहे हैं? बीजेपी के अंदर कितने मुसलमान हैं? कुछ चंद। और जो क्या कहते हैं हमें टारगेट किया जा रहा है, वो कितनी ज़्यादा परसेंटेज को किया जा रहा है, दुकानों से बीजेपी के राज में निकाला जा रहा है। हरियाणा को देख लो और क्या कहते हैं यूपी को देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ मुसलमान परेशान है। लव जिहाद के नाम पे उन्हें क्या कहते हैं परेशान किया जा रहा है, गोश्त के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान इस पे हड़ताल करें, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो फिश हो, चिकन हो, या मटन हो, या बीफ हो, सबको रोक दें, अपनी सप्लाइयाँ बंद कर दें और हड़ताल करें जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करी जाए, और ये गुंडागर्दी ख़त्म ना की जाए जब तक हड़ताल पे जाना चाहिए। ऊपर एक लाइसेंस होता है, क्या आपके पास है? नहीं साहब, लाइसेंस नहीं है आपके पास में, फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का? नहीं जी, नहीं नहीं। तो किसी ने आपको मना तो नहीं किया यहाँ पे बेचने के लिए? नहीं सर, मैं फेरी में लगाता हूँ चलते फिरते। नहीं, चलते फिरते भी बेच रहे हो, लेकिन उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी होता है, किसी से कोई परेशानी तो नहीं आपको? नहीं जी सर, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ फेरी में नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए वैसे। जी सर, शुक्रिया। नहीं नहीं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको बंद करना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। क्योंकि आप ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर देश में ये कानून है कि अगर आप पानी भी बेच रहे हैं तो आपके पास में फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी होता है। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सर, जब आप गोश्त पे बंद कर सकते हैं तो उसको भी बंद कीजिए आप, तो कोई भी काम बंद किया जा सकता है जिनका लाइसेंस। देखिए जनाब, ऐसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्विलिटी हर एक शख्स को दिया गया है जी, समझे? कहते हैं कांटे भी चमन जात हैं, चमन में ही रहेंगे, आईने गुलिस्तान में ये तहरीर मिले है, कांटों से मुराद मुसलमान है, कांटे भी चमन जात हैं, चमन में ही रहेंगे, मुसलमान भी यहीं पैदा हुए, कहीं बाहर से नहीं आए, आईने गुलिस्तान में ये तहरीर मिले है, दिस हैज़ बीन रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ गोश्त मुसलमान ही बेच रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर मलकागंज में चले जाइए, PIG का जितना गोश्त बेच रहे हैं वो सरदार बेच रहे हैं, क्रिश्चियन बेच रहे हैं, और
हिंदू भी बेच रहे हैं, उनसे पूछिए जाके, जो वो PIG का पिक का गोश्त बेच रहे हैं उनके पास लाइसेंस है नहीं है। एक मिनट, मद्रास में लोग बेच रहे हैं, कलकत्ते में लोग बेच रहे हैं, यूपी को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसके लिए आपने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश टाइम से ये रूल है कि मंदिर मस्जिद के पास 100 मीटर की दूरी पर मीट नहीं बिकेगा। फिर आपने लाइसेंस मस्जिद के नीचे दिए हुए हैं लोगों को, जो पुरानी दुकानें सबके पास लाइसेंस है, समझ गए? अब जो हॉकर्स हैं वो भी मीट बेचते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री आज़ादी दी हुई है कि उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? आप ये क्या मानते हैं कि हर खाने के काम के ऊपर लाइसेंस होता है? अगर आप पानी भी बेच रहे हैं तो उस पर भी लाइसेंस होता है? देखिए, पानी का लाइसेंस नहीं है, पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर लाइसेंस नहीं। पानी भारत सरकार ने फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये गाइडलाइन दी है कि अगर आप पानी भी बेच रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसमें एक्ट है कि वो पानी पीने योग्य होना चाहिए, उसमें खाली क्वालिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं, तो लाइसेंस अपनी चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट एकदम से स्ट्रिक्टली एक नोटिफिकेशन निकाल देना, थोड़ा लोगों को टाइम दे कि उनको एक पीरियड दे के ऐसे के बाद में ये होगा, ये आपके ऊपर सख्ती होगी, समझ गए? अब आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, ये चांदनी चौक में जो दुकानें हैं, जब लाल किला बना था दुकानें कमर्शियल बनी थी, आज MCD उसके लिए उसको कमर्शियल के लिए कन्वर्जन चार्ज ले रही है। आप प्रॉपर्टी को दुकानों को पहले कमर्शियल में कन्वर्ट कराइए, फिर पार्किंग चार्ज दीजिए, फिर लाइसेंस इशू होगा। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये जो फैसला लिया गया है? हिंदुस्तान के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, स्टेट कानून है, हम स्टेट कानून की बात कर रहे हैं। स्टेट की बात है, लेकिन ये और भी बहुत सी चीज़ों पर बहुत झटके हुए, जो मीट है वो तो मुसलमान नहीं बेच रहे, तो पहले उनका लाइसेंस भी तो चेक कीजिए, उन पर भी तो किसी पर सील लगाइए, एक नज़र से देखिए, दो एक चश्मा एक लगाएं, देख रहे हैं अलग अलग, तो बेहतर ये है कि आप ऐसा लेके चलिए कि जिससे कोई आपस में कौमों में रंजिश नहीं पैदा हो, और वो मिलजुल के पहले भी रह रहे थे रहें। तो जो कानून उन्होंने बनाया ये एक ब्लाइंडली उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, एक्चुअली ये भारत के जो है कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है।